हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है पति पत्नी संबंध कैसे सुधारें। पति पत्नी का रिश्ता दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता, जिसकी तुलना साक्षात शिव और पार्वती से की गई है। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक भी माने गए हैं। कई बार ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं जिससे पति पत्नी के अंदर आपसी झगड़ा शुरू हो जाता है और उनको खुद को नहीं पता होता है कि वो झगड़ा उनका क्यों हो रहा है। अगर उनको ये पता होता उसकी वजह क्या है, तो वो अपने इतने खूबसूरत से रिश्ते को खराब नहीं कर रहे होते। तो मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगी जिससे आप अपने झगड़े चुटकियों में सुलझा सकते हैं। कई बार पति पत्नी के झगड़ों की शुरुआत होती है वो इसलिए होती है कि वो एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, यानी कि एक दूसरे को वो इग्नोर भी करना शुरू कर देते हैं और वहीं से उनके झगड़े की शुरुआत भी हो जाती है। उनका वो प्यार था वो फेड होने लगता है, उनके प्यार में कमी आ जाती है और झगड़े की शुरुआत हो जाती है। कई बार तो दोस्तों ऐसा होता है कि वो दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष मार रहे होते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि वो पब्लिक प्लेस पर ही एक दूसरे को सुना रहे होते हैं, जो एक दूसरे को अपने पार्टनर को सुना रहे होते हैं। पता होता है कि वो एक दूसरे को नहीं बल्कि अपने खुद के रिश्ते को खराब कर रहे हैं। वो एक दूसरे की बेइज्जती करने से भी नहीं चूकते हैं, वो उनकी बेइज्जती वहीं पर करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और ये अच्छी बात नहीं होती है। आपके जो झगड़े हैं वो आप घर में आकर देखें, पब्लिक प्लेस पर एक दूसरे को कभी भी कुछ भी न सुनाएं। आप ऐसा करते हैं वो सबसे बड़ी फसाद की जड़ होती है। आपके झगड़े का कारण सबसे बड़ा वही होता है कि जब आप अपने पार्टनर को किसी पब्लिक प्लेस पर सुनाते हो तो वहां से आपका झगड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाना शुरू हो जाता है। अगर आप अपने पास तो पति पत्नी दोनों एक साथ रहते हैं और उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, यानी कि उनको अपने रिश्ते में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता है, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, दोनों को अपना रिश्ता पकाऊ लगने लगता है, बोझ लगने लगता है। पता ही नहीं होता है कि जो ये बोझ समझ रहे हैं वही उनका आगे चलकर झगड़े का कारण भी बनता है, और उनके ये छोटे छोटे झगड़े हैबिट के अंदर बदल जाते हैं। फिर उनका रोज आना यही काम होता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहना। सोचते हैं कि उनकी फ्रीडम खत्म हो गई है, उनकी आजादी खत्म हो गई है, और जब वो बाहर जाते हैं किसी कपल को देखते हैं या कि वो एक साथ घूम रहे होते हैं, तो उनको ये लगता है कि इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, ये दोनों कितने खुश हैं, इनकी लाइफ कितने अच्छे से चल रही है। वो दूसरों को देख लगता है कि उन्होंने किसी गलत इंसान को अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया है, उन्हें अपनी लाइफ खराब दिखने लगती है। तो जब ट्रस्ट एक दूसरे से खत्म हो जाता है, जो पति पत्नी के ट्रस्ट की नींव होती है, अगर वो ही खत्म हो गई तो रिश्ता ज्यादा लंबा हमारा नहीं चलेगा। इसलिए रिश्ते के अंदर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आपका ट्रस्ट रहेगा तो आपका रिश्ता चलेगा, और अगर आपका ट्रस्ट ही खत्म हो गया तो वो रिश्ता आपको बोझ लगने लगेगा, आपको उस रिश्ते के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा और ना ही आप उस रिश्ते को आगे चलाना चाहेंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि अपने रिश्ते को सुधारने की बजाय लोग दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि तुम्हारा पार्टनर भी है, वो अपने झगड़े नहीं सुलझाते और दूसरों की तरफ जाने लगते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो मैं उन हस्बैंड को यही कहूंगी, जो रिश्ता आपने इतने प्यार से एक्सेप्ट किया था, इतने प्यार से आप कसमें वादे खाकर उसको लेके आए थे, तो आपको बिल्कुल भी उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता एक बहुत प्यारा रिश्ता होता है और पति पत्नी के जैसा दोस्त कोई नहीं होता है। ट्रस्ट आप अपनी पत्नी पे कर सकते हो, बाहर वाले पे किसी पे भी नहीं कर सकते। पत्नी हमेशा आपके साथ हर सुख और दुख में हमेशा आपके साथ खड़ी होती है। एक दिल के अंदर की खुशी देखनी चाहिए, बाहर की दुनिया की बिल्कुल भी नहीं। आपकी दोस्त आपकी वाइफ है, उस वाइफ से अच्छा दोस्त आपको कोई मिल ही नहीं सकता है। वो आपकी वेल विजर होती है, आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ी होती है, हर चीज में आपका साथ देती है। तो आप अपने ऐसे पार्टनर को बिल्कुल भी नहीं खोइएगा, किसी दूसरे को अपनी जिंदगी में एंटर करने की बजाय अपने झगड़े सुलझाने की कोशिश कीजिएगा। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।